एएमएच टेस्ट के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। एएमएच यानी कि एंटी मलेरियन हार्मोन, ये एक प्रकार का हार्मोन होता है जो हमारे अंडाशय में जो फॉलिकल्स या एग्स हैं उनके सेल्स में से निकलता है। इसलिए ये टेस्ट हमें ये बताता है कि आपके अंडाशय में एग रिजर्व कितना है, यानी कि एग की संख्या कितनी है। अब हर महिला में जन्म से ही एक फिक्स नंबर ऑफ एग्स रहते हैं जो उम्र के साथ धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं। 35 साल की उम्र के बाद ये और तेज़ी से कम होते हैं, लेकिन आजकल हमें ये बहुत कॉमनली देखने को मिल रहा है कि बहुत कम उम्र में ही लो एएमएच पाया जा रहा है। इसलिए अगर आपका एएमएच लो मिल रहा है तो आप अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से संपर्क करें और जल्द ही जल्द कंसीव होने का ट्राई करें, क्योंकि एएमएच लो होने पर यानी कि एग की संख्या कम होने पर ऐसी कोई दवाई नहीं है जिससे हम उसको बढ़ा सकें। डेफिनेटली हम एग की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी कि जो बचे हुए एग्स हैं उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास दवाइयाँ अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ आप अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे कि एक स्वस्थ और हेल्दी खाना खाइए और जंक फूड को अवॉइड करिए, रेगुलरली एक्सरसाइज करिए, स्ट्रेस लेवल को अपने जीवन से थोड़ा कम करिए। इसके साथ साथ कुछ दवाइयाँ भी दी जा सकती हैं, लेकिन हम एग के नंबर को नहीं बढ़ा सकते हैं। एएमएच का टेस्ट एक ब्लड टेस्ट होता है और इसको दिन में कभी भी कर सकते हैं, खाली पेट या भरे पेट ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती है, पर यह टेस्ट एक स्टैंडर्ड लैब में ही करवाना चाहिए। सामान्यतः 1.5 से 4 तक की वैल्यू को नॉर्मल एएमएच माना जाता है। 1.2 टू 1.5 से अगर एएमएच आपका कम है तो उसको लो एएमएच कहा जाता है। लेकिन अगर आपका एएमएच लो पाया गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ही टेंशन लेके बैठ जाएं, क्योंकि ऐसे बहुत से तरीके हैं जिसमें लो एएमएच में भी आप अपने खुद के एग्स से प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं।